अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भाई मेहता ने उठाया है, आज ये सम्मानित सदन उस पर चर्चा कर रहा है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, निश्चित तौर से सदन की भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार उस पर निश्चित तौर से डेमेंसिया के शिकार हैं या ओल्ड एज की जो और तमाम कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उस पर निश्चित तौर से कोई न कोई रूपरेखा बनेगी और उस पर कार्रवाई होगी। मैं अपने उन तमाम साथियों की उन भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं और मुझे लगता है कि शायद ये बात हम लोग कुछ वर्षों पूर्व सदन में करते तो आश्चर्य लगता, क्योंकि जब हम लोग 10 साल 20 साल पहले कहीं यूरोप में यूएस में जब जाते थे और वहाँ पे ओल्ड एज होम देखते थे और लोगों को देखते थे कि किसी सोसाइटी में लोग जो ओल्ड एज के लोग हैं वो उस होम में रहते हैं, तो हमें आश्चर्य होता था एक भारतीय होकर के, क्योंकि भारत की एक परंपरा है कि हमारे लिए जितना ओल्ड कोई है हमारे परिवार का मेंबर, वो ओल्ड इज जस्ट लाइक ए गोल्ड। उस तरीके से हम अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल करते थे और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का दायित्व निभाते थे और इसमें हम लोग गौरव महसूस करते थे, देश का हर परिवार हर व्यक्ति, कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की अंतिम क्षण तक क्या सेवा कर सके। और आज भी वो परंपरा कायम है बहुत हद तक निश्चित तौर से, और यहाँ तक कि जो हमारे इस तरह की बीमारियों के शिकार हैं और ओल्ड एज में रिटायर होने के बावजूद भी आज भी उसका बच्चा ये चाहता है कि हमारा पिता हमारी माता किस उम्र तक हमारे ऊपर उनका साया बना रहे, उसके लिए जो भी उसको दवाओं के इंतजाम करना पड़ता है और जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उस निश्चित तौर से उस पर खर्च करता है। लेकिन वहीं ये विडम्बना है कि दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि आज भारत में भी वो प्रक्रिया शुरू हो गई है कि लोग गाँव हो चाहे शहर हो, कि आज एक ओल्ड एज होने के बाद जिस तरीके से परिवार से अलग थलग या परिवार के जिनका दायित्व है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने का, वो उनसे प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वो एक जिस तरीके से अनाथ की स्थिति में हो जाते हैं, वो एक चुनौती निश्चित तौर से बढ़ रही है। और इसी संबंध में मैं समझता हूँ कि भारत में भी एक रिपोर्ट इस डेमेंसिया पे, द डेमेंसिया इंडिया रिपोर्ट 2010 आई है, जिसपे प्रिवलेंस का है, इम्पैक्ट का, कास्ट सर्विसेज फॉर डेमेंसिया पेशेंट्स के लिए है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूँगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें तो कम से कम ये जो रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई है कि जो डेमेंसिया के शिकार हैं उनके संबंध में इस रिपोर्ट पे भारत सरकार ने इसकी क्या स्टडी कराई है और क्या उस स्टडी के बाद कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ या उस पर कौन कौन से स्टेप उठाए गए। एक अच्छी रिपोर्ट है कि जो अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं उस पर है, क्योंकि ये भी सही है कि इस रिपोर्ट में 2010 में है कि उस समय 3.7 मिलियन इंडियन थे जो डेमेंसिया के शिकार थे और उसमें सोसाइटल कॉस्ट जो था वो 14,700 करोड़ का था। जिस रिपोर्ट में ये भी संभावना है कि ये 2030 तक हमारे देश में जो डेमेंसिया के शिकार हैं उनकी संख्या इससे दुगनी हो जाएगी और इस पे जो सोसाइटल कास्ट आएगा वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो निश्चित तौर से अब एक चिंता का विषय है और जिस पे हमारी सरकार इस पे उपाय करेगी। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो हमारे हेल्थ सेकिंग बिहेवियर है या पीपल विद डिमेंसिया है, तो उसमें अगर 4 ऐसे डेवलपिंग रीजन्स को हम देखें तो उससे भी हमें एहसास होगा कि हमने कौन से उपाय किए हैं। कि आज वो 4 रीजन्स इंडिया है, चाइना है, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है और नाइजीरिया का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि आज अगर डिमेंसिया के शिकार हैं तो उनको गवर्नमेंट प्राइमरी केयर केवल 5% मिल रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको 5% मिल रहा है। अभी वो प्राइवेट डॉक्टर्स के 56% जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिशन 11% का है और ट्रेडिशनल हीलर्स हैं वो 1% है। और जो आज हमारे देश में मतलब ऐसे लोग कि अभी कोई जिनकी सर्विस नहीं उनकी भी संख्या 33% है और यही चाइना में जो 20 साल पहले मैं समझता हूँ हमसे बहुत पीछे था, आज जहाँ हमारा 5% गवर्नमेंट के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSCs हैं हमारा 5% है, वहीं चाइना का 36% है और उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हमारा 5% है उनका 54% है और इस प्राइवेट डॉक्टर जो हमारे 56% है उनका 10% है। तो स्वाभाविक है कि चाइना ने इस दिशा में हमसे ज़्यादा काम किया। अगर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के देखना चाहें तो वहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी केयर में
45% गवर्नमेंट प्राइमरी केयर्स में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 51% है, प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ कम है 42, यहाँ तक कि नाइजीरिया में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 90% डेमेंशिया के शिकार के लोगों का इलाज होता है और वहाँ पे मैं समझता हूँ प्राइमरी केयर पे केवल 5% है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें कि जो पीपल विद डिमेंशिया हैं, तो ये चार जो डेवलपिंग रीजन्स हैं उसमें हम अभी पीछे हैं। तो निश्चित तौर से आज हमें ये महसूस होता है कि अब हम भी इस दिशा में, चाहे हम एक कम्युनिटी सेंटर्स बना करके करें या हम कुछ इस तरीके से करें, तो स्वाभाविक है आज जो सर्विसेज मौजूद है, जो लोग यहाँ डिमेंशिया के शिकार हैं, मैं समझता हूँ कि जो रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज है वो पूरे देश में अभी केवल 6 रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज है और उस 6 में भी 4 केवल केरला में है, हार्मोनी होम पुटपट्टी केरला, मालाबार हार्मोनी होम कैलीकट केरला, और फिर एक त्रिवेंद्रम में केरला में है, एक कोचीन हार्मोनी होम कोचीन केरला, और एक महाराष्ट्र में, एक कर्नाटका में। मैं समझता हूँ कि अभी केवल कर्नाटका में एक सेंटर है, महाराष्ट्र में एक सेंटर है और 4 सेंटर केरला में। तो ये अगर आज ऐसे जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं जो डिमेंशिया के शिकार हैं और उनको अगर मान लिया रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटी देनी हो तो केवल केरला में 4 सेंटर मिल सकता है, महाराष्ट्र कर्नाटक में। तो मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये संख्या आज देश के सभी हिस्सों में बढ़ रही है, चाहे वो गाँव हो और चाहे वो शहर हो, सभी राज्यों में। तो मैं समझता हूँ सभी राज्यों में अगर इस पे सेंटर पे खोलने का विचार करें, पिछले दिनों हम आभारी हैं कि माननीय मंत्री जी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पे वो गोरखपुर गए, सिद्धार्थनगर गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, और यहाँ तक कि जो मेंटली रिटार्डेड हो जाते थे, जिनके जीवन बच जाते हैं, उनको उन जिलों में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जिस तरीके का सेंटर खोला, तो उस दिशा में इसी तरीके से जो हमारे डिमेंशिया के शिकार हैं उनके लिए भी क्या देश के सभी जिलों में कम से कम उनके एक जो क्लिनिकल उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर एक सेंटर इस तरह का में खोलने पे विचार अगर माननीय मंत्री जी कर लें, तो निश्चित तौर से जो एक जनपद के इस तरह के लोग हमारे डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं उनको निश्चित तौर से एक फैसिलिटी मिलेगी। तो इसलिए हम ये चाहेंगे, क्योंकि आज एक आवश्यकता है उस एज में जिनको आज घर का सपोर्ट नहीं है और अगर माँ बाप को बच्चों ने छोड़ दिया, तो स्वाभाविक है कि फिर आज एक वेलफेयर स्टेट में हम हैं, उस वेलफेयर स्टेट में फिर एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये भी सही है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम भारत की पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं, आप हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, चाहे NRHM के माध्यम से हो या सुबह भी जिस तरीके से आपने स्वाइन फ्लू पे कहा कि हम देश के सभी राज्यों को हम वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं, ट्रीटमेंट के लिए, चाहे टेमीफ्लू हो, अगर सबकी व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आज एक गंभीर चर्चा पे आप इस रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज को भी बढ़ाने का काम करेंगे। और डे केयर सेंटर्स भी जो हैं वो भी अभी तक केवल देश में 10 उपलब्ध हैं, और जो डोमिसिलरी केयर सर्विसेज हैं वो 6 हैं, जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं इसका कोई एग्जैक्ट डाटा भी इस रिपोर्ट्स में नहीं मिला है कि आज NGOs इस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे NGO भी काम अच्छा कर सकते हैं। आज इस पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, NGO को हम बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं, बहुत से कामों में पैसा दे रहे हैं, चाहे उनको मतलब इम्यूनाइजेशन के लिए पैसा दे रहे हैं या एड्स पे हम पैसा दे रहे हैं या इसी तरीके से उन तमाम चीज़ों पे। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में भी सोचना चाहिए। और ये तो एक बीमारी डिमेंशिया है, आज बुजुर्ग जो बुजुर्ग हो जाता है उसके अपने आप एक बुढ़ापा ही बीमारी मानी जाती है, और वो एक बीमारियों का शिकार नहीं होता, मल्टी मतलब पर तरह से डिजीजेज हो जाती हैं। प्रोस्टेट की बीमारी सबसे ज़्यादा एज के साथ होती है, फिर हार्ट की, किडनी की, लीवर की, क्योंकि हमारे तो बहुत से डॉक्टर, हम तो डॉक्टर भी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपनी भावनाओं का उल्लेख किया, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज बुनियादी तौर से अगर सारे कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, तो ये जो ये डिमेंशिया है जिसमें हमारी मेमोरी जाती है, तो कम से कम मेमोरी के लिए जो एक मेमोरी क्लिनिक
हो, उस मेमोरी क्लिनिक पे कम से कम एक विचार हो। आईसीएमआर के लोगों को जो स्पेशलाइज्ड हम करते हैं, डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं, उस दिशा में भी उनको कम से कम एक ट्रेंड किया जाए कि जिससे कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कि किस तरीके से उनको एक मेमोरी क्लिनिक के उस सेंटर की फैसिलिटी के आधार पे उनकी मेमोरी थोड़ी वापस हो सके और इस तरीके से हो सके। इसके लिए भी कोई एक हेल्पलाइन, जैसे आज हर पिछले कल ही अभी रेलवे में हो रहा था कि हम एक हेल्पलाइन 138 करेंगे 39, तो इस तरीके से भी देश में अगर हम अपने इस हेल्थ मिनिस्ट्री में भी एक हेल्पलाइन का ईजाद करें जिससे कि गांव का कोई व्यक्ति अगर उस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दे तो उसको न भी कोई सपोर्ट हो फिर भी उसको केयर करने के लिए उस तरीके से मिल सके। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे सर्विसेज हैं कि जिन सर्विसेज को करने के बाद निश्चित तौर से इसमें एक राहत मिलेगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जो इस संबंध में हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ कदम उठा सकता है, किसी के लिए घंटी नहीं बजी, हमारे लिए घंटी बज गई मालूम है। और मैं समझता हूँ मैं केवल विषय तक सीमित हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कुछ मैं एक दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर इसके लिए कुछ प्रपोज मॉडल्स हो जिसमें हम डेमेंशिया के लोगों को अपने उनकी केयर के लिए सर्विसेज दे सकते हैं, अगर 7 कोर स्ट्रेटजी हम अख्तियार करें और उस रिपोर्ट की स्टडी करें, तो स्वाभाविक है कि इसमें हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पहले तो क्रिएट अवेयरनेस होना चाहिए कि जिससे इफेक्टिव यूज ऑफ मीडिया फिल्म प्रोवाइड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स ऑफ पीपल विद अ डिमेंशिया एंड केयर्स फाइट स्टिग्मा इम्प्रूव क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। इसमें हम गवर्नमेंट एनजीओज, गवर्नमेंट भी कर सकती है, एनजीओज भी कर सकते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी कर सकते हैं, मीडिया का भी रोल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी जितना एक्टिव हैं इन सब को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये डिलीवर करने की बात होगी, तो इसमें कम से कम एक कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू हो जिससे कि उनको कम्युनिटी रूप से मिल सके, प्राइमरी केयर हो सके और इस दिशा में कर सके। दूसरी बात है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर टीम वो इस तरीके से बने कि जो हम हेल्थ केयर के लिए हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके इस तरह टीम, और उस टीम के लिए हमें निश्चित तौर से भविष्य में एक ट्रेनिंग को पे जोर देना होगा। और उस ट्रेनिंग के लिए जैसे हमारी जो ट्रेनिंग मेडिकल नर्सिंग है, फेटेंटी इन डेमेंशिया मैनेजमेंट, या ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा बहनें हैं, आशा बहुएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी विचार कर लें, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ उन एसोसिएशनों से, आंगनबाड़ी से भी जुड़ा हूँ, आशा बहुओं से भी जुड़ा हूँ, और उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। आज भी आशा बहुएं अच्छे घरों की हमारी बहनें बेटियां किसी गांव में जिसको प्रसव है अपने पैसे से शुरू में ले जाती हैं और उनको पीएससी तक ले जाके रिपोर्ट करती, रात भर वहां रहती हैं और उनके न्यूट्रिशन को उनको दिखाती हैं, फिर डिलीवरी के लिए भी ले जाती हैं, जबकि 800 रुपया उनको मिलता है, लेकिन एक कन्विक्शन भी है, एक डिवोशन भी है। तो आज उन आशा बहुओं को हम क्यों नहीं इस तरह के जो आज हमारे डिमेंशिया के शिकार हैं या इस तरीके के जो बुजुर्ग हैं उनको जिस तरीके के प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके साथ इन आशा बहुओं को जोड़ें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इन आशा बहुओं के लोगों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। आज जब से 108 हो गई तो निश्चित तौर से फ़ोन कॉल कर देने के बाद उससे लोग चले जा रहे हैं, जो महीने में 2-3 केसेज भी जिस तरीके की आशा बहू करती थी और उनको 2,000-2,500 मिल जाता था, आज वो भी नहीं मिल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो एक तरह से किस केस वाइज आप देते थे मानदेय, वो अगर महीने का एक मानदेय, तो आशा बहू हमारे लिए गांव में बहुत अच्छा काम कर सकती, क्योंकि आज गांव की जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन है, कितना जच्चा बच्चा की ज़िंदगी के लिए सेहत हो सकती है, या गांव में लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनके, मैं समझता हूँ हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है डिमेंशिया का, इसलिए मैं उस सवाल को कहा, या आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, इन इस दिशा में भी इनको अगर जाता है, इनसे हम पल्स पोलियो का काम लेते हैं, इनसे जनगणना का काम लेते हैं, इनसे जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हम में इन्वॉल्व करते हैं, तो आज मैं समझता हूँ इस पर निश्चित तौर से एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से जो एक सुझाव आ रहे हैं, उस सुझाव पर माननीय मंत्री जी निश्चित तौर से अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा उन संगठनों को अगर जोड़ेंगे, तो उन संगठन के लोगों के द्वारा आज जो ये गाँव में जो जिनको केयर नहीं मिल पा रही है और जिनको लोग लगता है कि अब ये बुजुर्ग हो गए, अब तो इनको याददाश्त भी नहीं रह गई और अब ये तो
दे हैव बिकम अ लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी, तो वो सोसाइटी के लिए एक लायबिलिटी नहीं रहेंगे, बल्कि मैं बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो एक एफोर्डेबल ट्रीटमेंट हो या उस तरीके से उनको दिया जा सकता है, और इसमें सबसे बड़ा काम हो सकता है कि जो जेनरिक है वो उस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल हो, और जो एंटी डेमेंसिया ड्रग्स हों, और ये जो आज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं एनआरएचएम में, मैं समझता हूँ अगर कुछ हिस्सा एनआरएचएम में हम सबके लिए पैसा देते हैं, मेडिसिन के लिए पैसा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं, अपग्रेडेशन के लिए दे रहे हैं, और उस दिशा में कर रहे हैं, मैं तो आभार व्यक्त करूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने का पैसा भारत सरकार से स्वीकृत किया हमारी सरकार ने, मैं इसके लिए निश्चित तौर से माननीय मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। और 42 जीएनएम और एएनएम, तो स्वाभाविक है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर 42 जीएनएम एएनएम हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खुलेंगे। आज हमारे वहाँ पैरामेडिकल की सर्विसेज की इतना अभाव है कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर हमारा, हमारे पड़ोसी संत कबीर नगर है, अगर 76 डॉक्टर के पोस्ट हैं, 37 वहाँ काम कर रहे हैं, केवल 4 नर्सेज हैं, तो आज निश्चित तौर से पैरामेडिकल का कितना अभाव है। और स्वयं आपने देखा, तो अगर इस दिशा में जिस तरीके से आज पैरामेडिकल के लिए नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पहली बार अपग्रेड करके उनको डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बस्ती हो, बहराइच हो, फैजाबाद हो, इस तरीके से फिरोजाबाद 5 किया है, तो मैं समझता हूँ उस एनआरएचएम के माध्यम से भी हो सकता। और कुछ इसमें मैंने शॉर्ट टर्म की बात कही है, मैं समझता हूँ इसमें कुछ लॉन्ग टर्म भी अगर उपाय करेंगे तो इफेक्टिव होगा, कि इफेक्टिव लॉन्ग टर्म केयर थ्रू कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, हम इसको कुछ इसको इस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाएं कि जिससे निश्चित तौर से इस तरह के मरीजों को एक लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट मिले। और वो तभी हो सकता है जब ट्रेन कैटरर्स टू एस्टेब्लिश सपोर्ट ग्रुप्स या डोमिसाइल विजिट टू द फैमिलीज ऑफ पीपल विद द डेमेंसिया। तो निश्चित तौर से जो ये आज इसकी जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, अपने आप में एक गंभीर विषय होता जा रहा है। मैं बस एक दो बात और कह के खत्म कर रहा हूँ, बस एक मिनट और लूंगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक तो ट्रेनिंग सर्विसेज बनाई जाए, डेवलप किया जाए, और इनको थोड़ा सा डेवलप लीगल सर्विसेज भी रिपोर्ट में आई है। मैं केवल रिपोर्ट की उन बातों के जो बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उस रिपोर्ट की ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ उल्लेख कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जा रहा हूं अधिष्ठाता महोदय। और मैं इसलिए ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि आपने मुझे समय दिया, माननीय मंत्री जी उसको सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों को, मतलब उनको लीगल सपोर्ट भी मिलना चाहिए, और डे केयर फैसिलिटीज हो या रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हो, जिसमें गवर्नमेंट जो कर सकती है, एनजीओ कर सकती है, तमाम जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे किया जा सकता है। इस तरीके से अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर से भारत बड़े फख्र के साथ कह सकता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम या हम पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपने ज्वाइंट फैमिली का हमारा कंसेप्ट है, या हम अपने बड़े बुजुर्गों को भगवान की तरह से या हम मानते हैं देवता की तरह से मानते हैं, तो उनको निश्चित तौर से उसी तरह से हम उनका केयर कर सकते हैं, चाहे उनको डिमेंशिया हो गया हो या अन्य इस तरीके की बीमारियां हो गई हो, तब भी वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है, और उनकी सर्विसेज से हम निश्चित तौर से जो हमारे पर 5 ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मातृभूमि का ऋण, हम उस ऋण से उऋण हो सकते हैं अगर डिमेंशिया के मरीजों की सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद।